देखना तो कितना चाहिए। चांस है दुर्घटना का? 100 के 100% चांस है। 100 के 100%? अच्छा मुझे लग रहा है, देख लो ये क्यों बता रहे हैं, मैं बताऊँ, ये जो लैंड नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, थोड़े जोर से बोल लो, ये नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके एक्सपर्ट आदमी नहीं होते, ये एक्सपर्ट नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये यशपाल सिंह राठी जी का मकान है और ये इसको जैक से उठवा रहे हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्या कुछ किसान भाई कुछ पैसों के लालच में, पैसा बचाने के चक्कर में ये काम करवाते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी सच्चाई बताने वाले हैं। क्या ये मकान उठवाना चाहिए, इसमें कितना रिस्क है? भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये काम, मतलब मकान उठाने का काम कितना रिस्की है, यशपाल जी से जानेंगे। यशपाल जी ने हमें कॉल करके बुलाया है और वो जानकारी देना चाहते हैं इनमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये कितना सही है, पूरी बात आपको बताएंगे। देख लो, ये इनका मकान है, ये 1700 फुट लेंटर है और सारे में इन्होंने जैक लगाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ थोड़ा। मेरा नाम यशपाल, यहाँ देखो यहाँ जी, मेरा नाम यशपाल जी है। अच्छा, गाँव बेटा थ्रू है जी, ब्लॉक मोरना, ब्लॉक मोरना। चलिए अंदर बैठ के बातें करते हैं आराम से। ठीक है जी, ये देख लो भाइयों, इन्होंने लगाए हुए हैं। ठीक है जी, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, ये 5000 फीट पीछे कर दिया, उठा के ले गए, ये ले गए, वो ले गए, पर आज की इस वीडियो में आपको सच्चाई बताएंगे हम ये कितना सही है और कितना गलत है। ये देख लो, इन्होंने ये पूरे मकान में जैक लगवाया है और इसको उठा रहे हैं। ठीक है, बैठ लो, बैठो सर, बैठ लो। यशपाल जी, अब आप हमें ये बताइए, ये जो आप जैक का काम करवा रहे हैं, ये सक्सेस है? नहीं कराना चाहिए। थोड़े जोर से बोल लो, ये नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके एक्सपर्ट आदमी नहीं होते, ये एक्सपर्ट नहीं होते, ये। अच्छा, एक्सपर्ट आदमी से कराना चाहिए, अगर कराना चाहिए। अच्छा, अब एक्सपर्ट कहाँ से लाए? तजुर्बा करके, कहीं देख कर, तजुर्बा करके। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है आपको, बता दो। बहुत बड़ी दिक्कत है जी, ये तो बस समझो कि जीवन मौत का काम है, जीवन मौत का काम है ये। तो मैं मजबूरी में करवा लिया, मुझे तजुर्बा, देख हम देख करवा लिया। अच्छा, जब देखा होते हुए अपने यहाँ, हाँ, तो तब पता लगा कि ये काम कराना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तोड़ लेना चाहिए मकान। मकान तोड़ने में फायदा है, मतलब है। ये आप, ये कितने, ये आपका कितना फुट लेंटर है? ये 1700 फुट के करीब। 1700 फुट, कितना खर्चा आ जाएगा इसमें उठाने में? इसमें करीब 3.5-4 लाख के बीच में। 4 लाख के बीच में, और अगर आप आज के टाइम में इतना लेंटर डालते तो 10 लाख रुपए लगते, तो 7 लाख रुपए बचाने के चक्कर में आपने किया। ठीक है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। नुकसान अगर कोई दुर्घटना होगी तो वो देखना, कितना चांस है दुर्घटना का? 100 के 100% चांस है। 100 के 100%? अच्छा मुझे लग रहा है, देख लो ये क्यों बता रहे हैं, मैं बताऊँ, ये जो लेंटर देख रहे हैं ना भाइयों आप, इसकी लाइफ 50 साल होती है। ठीक है, और आपको ये देखने को लग रहा, देखने में लग रहा है इस पालिश का कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब आपको ये खतरा है ये गिर ना जाए, क्रैक ना हो जाए, क्रैक ना हो जाए, होने का पूरा चांस है। क्योंकि कोई दीवार कोई हिल जाए, हाँ, और किसी मजदूर के लिए कोई दुर्घटना हो जाए, हाँ, तो फिर मजदूर वो नहीं मानने के भाई हम मजदूरी पर कर रहे हैं। सही बात है, यहाँ जुम जुड़ जाएगा सबको, 5-5 लाख देने पड़ेंगे, बढ़ जाएगा 50 लाख का। ठीक है, और इसका क्यों है मैं बता रहा हूँ, ये मकान किसने बनाया था, आपने बनवाया था? ये पिताजी ने। पिताजी ने, तो उस टाइम जब मकान बनाते थे ना हमारे एरिया में, कोई पिलर नहीं डालता था ना, उस टाइम पिलर नहीं डाला। ठीक है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, चिंता हो रही है। अगर पिलर का मकान होता, नीचे पिलर होते, नीचे जाड़ होता, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहिए, करवाना चाहिए? ये सलाह है मेरी कि किसान भाइयों को ऐसा काम नहीं कराना चाहिए। अच्छा, कराना चाहिए तो किसी एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट से, तो इनमें क्या दिक्कत आ रही है, एक्सपर्ट लोग नहीं है? ये एक्सपर्ट नहीं है इतने। अच्छा, ये मतलब मैंने देखा, क्या पकड़ा आपने बता दो थोड़ा। तो ये देखा कि आने के बाद ये एक पैसा कमाने की होड़ है, पैसा कमाने की होड़ है बस। अच्छा, और बस लेबर लगा दी, अपने आप आता भी नहीं मिस्त्री, हाँ अपने आप आता नहीं, कम आता है। अच्छा, और लेबर से मुनाफा के चक्कर में, हाँ, लेबर को कम देना, ठेके में बस जाना। अच्छा, ये लालच है, ये लालच है। एग्रीमेंट कुछ हुआ करवाया आपने भाई, हमारी जिम्मेदारी नहीं, अगर कुछ रिस्क हो जाए तो। एग्रीमेंट कराया मैंने, करवाया एग्रीमेंट का, कोई माने नहीं होंगे अगर दुर्घटना। सही बात है, फिर तो कोई माने नहीं होंगे, फिर तो हम चोर, हम और चोर। मतलब वो क्या क्या बोलते हैं, हम मतलब हमारे ऊपर वो आ जाएगी। ठीक है जी, ये
अच्छा, और ऐसे ऐसे आदमी आ जाओगे यहाँ, नेता भी, पुलिस भी, के आपकी गलती है। हाँ, आपकी गलती है। तो इसलिए आप घबरा रहे हैं, आप बोले 2-3 दिन से मन नहीं लग रहा बिल्कुल, बेचारा उदास है। 20 दिन हो गए जी। 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। अच्छा। ना खाने में, ना रहने में, ना सोने में, ना काय में, दिक्कत है। दिक्कत है बहुत। अब ये पकड़ लिया हड़गाई गादड़ी के कान। अब ये छोड़ दे तो मरे। इस जगह आ गया मैं कि 1 फुट की रह गई मेरी हाइट। अच्छा अच्छा। अगर ये भगवान करा दे ठीक ठाक तो मैं शुक्र मानू उसका, बहुत बहुत लाख लाख शुक्र मानू। 1 फिट रह रहा, अभी 1 फिट रह रहा। बहुत अच्छी काम है, रिस्की बहुत अच्छी काम। ये तो गारंटी दे दें, गारंटी दे, लेकिन कोई बाद में दिक्कत पड़ती है। मालिक ही नहीं आते यहाँ तो क्या करें, कहाँ के हैं कुछ भी हो सकता। ये निजामपुर बेड़ा वो है, नया गांव, नया गांव। अच्छा इसके, हाँ इसकी, इन्होंने कोई पढ़ाई तो कर नहीं रखी ना, इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। गंगदासपुर वो जो, हाँ गंगदासपुर है उसके आस पास। अच्छा अच्छा। कितने फुट उठवा रहे हो आप? ये करीब 5.5 फुट। 5.5 फुट बहुत है, ये तो रिस्क है वाकई, इसमें तो काम का रिस्क का काम है। 4.5 करीब उठ गया। अच्छा अच्छा। हाँ तो अब आपको तजर्बा, आपने मतलब ये देखा होगा भाई, वीडियो आजकल बहुत आ रही है ना। मैंने कई मकान देखे लेकिन सिर्फ ये जैक लगे हुए देखे, काम करते नहीं दिखाई दिए, काम करते नहीं दिखाई दिए भाई। हमने देखा कि ये तो उठ रहा है, ठीक है दिखाया इन्होंने अपना जो अभी कर रहे थे, देखो जी लेबर लगी हुई देखी, लेकिन जब यहाँ लेबर लगी तब उसका पता लगा। जब लेबर लगी वो सीटी सी मारते हैं, सीटी मारे हैं जी, और कभी कभी जैक फिसल जा, कभी कुछ भी हो जा, कहीं ये जो वेल्डिंग टूट जाते हैं, जो इन्होंने जाल बिछा रखा है, ये जाल टूट जाता है कहीं कहीं वेल्ड। अच्छा, हल्का वायर लगा हुआ ये, क्योंकि ना काटना भी है फिर वो। हाँ, तो बहुत दिक्कत। तो हमारे किसान भाइयों को जो यूट्यूब पे वीडियो देख के करवाते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे अंत में बता दो? मेरी सलाह यही है कि किसान भाई चक्कर मत बना ले, चक्कर में ना पड़े और अपना कच्चा लालच परेशान करे, उसमें नीचे ही रह ले और फिर कभी भी अपने जुगाड़ के हिसाब से नया बना। अच्छा जी, चलिए बढ़िया जानकारी दी यशपाल जी आपने। खतरे का काम, खतरे का काम है। तो किसान भाइयों, सुना आपने यशपाल जी की बात को? ये देख ले बोल रहे हैं, ये एक्सपर्ट लोग नहीं होते, अगर आप एक्सपर्ट से करवाओगे तो ये जितने का लेंटर पड़ेगा उतने का ही वो काम करेंगे। ये देख लो, ये है ना, ये बोल रहे हैं अगर करावे तो। हाँ जी, पक्की एग्रीमेंट नहीं, एक बात बताओ, एग्रीमेंट करवाएंगे भी तो नुकसान तो होगा, अगर हो गया तो? अगर नुकसान हो गया तो कम से कम अदालती अगर कुछ हो जाएगा, कुछ कहीं तो सुना जाएगा बाद में, अब तो होगी नहीं, कहीं कहीं कानून में जाके तो सुनवाई होगी। सही बात, सही बात है। हाँ मतलब ये कोई लंबर एक का काम नहीं है, काम करने वाले जो एक्सपर्ट ये अज्ञान आदमियों को लाग लगाते हैं। मजदूरी तो है बेचारे, दुगनी दें तो उस दुगनी मजदूरी लालच में, ठीक है लालच में, लालच में काम करते हैं मजदूर भाई। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने मजदूर भाइयों से भी कहना चाहूंगा, ऐसा रिस्की काम बिल्कुल ना करें। आपके भी बीवी बच्चे हैं, ये देख लो, कच्चा वेल्डिंग है, ये बोल रहे हैं 2-3 बार टूट चुका है, और ये जो है ना ये जैक ये भी हट जाते हैं, वहां से टूट गया था, ये क्रैक हो गया एकदम। अच्छा, ये टूट गया था, ये पूरा क्रैक हो गया, और ये गिरने का 90% चांस है इसको, ये देख लो गिरने का 90% चांस है। और ये इसका खर्चा थोड़ा देंगे, खर्चा क्या आप तो बोलोगे आप, अरे कुछ भी हो जाए बस किसी भगवान भगवान करा दे। सही बात है, कई बार तो आवे समझ में कि यहीं रोक दो, अब यहाँ रोक दोगे तो इससे भी ज्यादा रिस्की है, हंसी भी होगी, हंसी भी कराना चाह रहा था भाई तो। ठीक है, चलो आराम आराम से अपना करा लो, भगवान कर दे तो। हाँ ये देख लो भाई, यहाँ क्रैक आ गया, और भी दिखाता हूँ, और दिखाओ सर आप, और कहाँ कहाँ है, हाँ मुझे दिखाओ। आजकल आदमी क्या है ना, पैसे बचाने के चक्कर में 5-10 लाख रुपए ये रिस्क लेते हैं। यशपाल जी ने बहुत बढ़िया जानकारी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जी। ये देख लो, ये यहाँ से ये जैक फिसल गया था, अच्छा इस पे ना, ये देख लो कितना क्रैक है, ये देख लो कितना क्रैक है, ये देख लो ये लगा हुआ है ना, ये देख लो सारे में इन्होंने जैक लगाए हैं। और ये इस वजह से है, जो पहले हमारे बड़े होते थे ना, मकान बना देते थे, उसमें पिलर विलर नहीं बनाते थे, तो इस, हाँ पिलर कोई नहीं देता था, तो ये रिस्की काम है। ठीक है भाई, ये देख लो, मिस्त्री को ज्ञान नहीं था, ठीक है, शहरों में था, गाँव में, शहरों में था, हाँ जी, ये देख लो। ठीक है, तो किसान भाइयों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, आपने यशपाल जी को भी सुना, कभी भी कच्चा लालच में मत पड़े, अपना मकान उठवाएं, मैं तो ये बोलता हूँ उठवाएं नहीं जी, चक्कर में नहीं पड़ने का, अपना बनाना है तो नया बनाओ, नहीं तो बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर एक दो मजदूर भी इसके नीचे आ गए ना, सारी जिंदगी आप पछताओगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद।